नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके रेलवे बोर्ड की तरफ से जो नई वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में। यहाँ पे हम पूरी चर्चा करेंगे साथियों। इस वैकेंसी में कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, किस प्रकार की वैकेंसी है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी प्रोसेस है वो समझ में आ सके। तो साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके रेलवे बोर्ड की तरफ से है वो अकाउंट क्लर्क और आपके जूनियर असिस्टेंट जो आपके कॉमर्शियल टाइपिंग टाइपिस्ट है उसकी ये वैकेंसी आपके सामने निकल के आई है। तो हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के कैंडिडेट है वो एलिजिबल है और कौन कौन है और क्या क्या इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा और इसका जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा और कब से है जो कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूरी प्रक्रिया है वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपकी पूरी प्रोसेस है वो समझ में आ सके। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के गूगल क्रोम पे जाना है और गूगल क्रोम पे क्या करना है, आरआरसी गुवाहाटी है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और आरआरसी गुवाहाटी टाइप करते हैं, आरआरसी गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल गुवाहाटी पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने ऐसा सरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आप देख सकते हो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आपके गुवाहाटी रेलवे और यहाँ पे दिया गया ओपन मार्केट नोटिफिकेशन और आपके जनरल डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन है। इसमें आपके दो नंबर का नोटिफिकेशन दिया गया है, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जीडीसी ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट क्लर्क कॉमर्शियल टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कॉमर्शियल टाइपिस्ट, ये आपको इस पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना। और क्लिक करते आपको ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ये आप देख सकते हो एनएफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल स्टेशन रोड आपके गुवाहाटी दिया गया, नोटिफिकेशन दिया गया। हम देखते हैं यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन वेबसाइट, तो आपको किस डेट को ये पब्लिकेशन हुआ था, 15/6/2024 को। और यहाँ पे दिया गया ओपन डेट ऑफ टाइम, आज की जो आपकी डेट है उसमें क्या कर दिया गया, फॉर्म ऑनलाइन आवेदन है उसको आप एप्लीकेशन है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो 20/6/2024 को यहाँ पे 10 बजे से है वो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ स्कैंड कॉपी प्रिंटेड फिलअप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके डेली फॉरवर्डेड बाय द कंट्रोल ऑफिस ऑफ द वेबसाइट या क्लोजिंग डेट और टाइम दोनों एक ही दिया गया, 20/7/2024 और 20/7/2024 को आप 11:59 पे क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई करे सकते हो। डेट ऑफ सीबीटी एंड ये आपको अभी जारी नहीं किया गया, डेट ऑफ सीबीटी और टीबीटी। हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आपके एनएफ जो आपका रेलवे है उसमें रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के जितने भी कैंडिडेट है, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीडीसी ओनली फॉर रेगुलर एम्प्लॉय, जो रेगुलर एम्प्लॉय एनएफ रेलवे के वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। और देख सकते हो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल सर्विस रेगुलर आपके रेलवे एम्प्लॉय एनएफ रेलवे फॉर जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव जीडीसी फॉर द पोस्ट ऑफ द अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट आपके कॉमर्शियल टाइपिस्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितनी वैकेंसी है जो की जारी की गई है। तो आप देख सकते हो वैकेंसी है वो आपके टोटल यहाँ पे अकाउंट क्लर्क कॉमर्शियल टाइपिस्ट दी गई है वो 21 है और आपके जूनियर अकाउंट असिस्टेंट आपके कॉमर्शियल टाइपिस्ट वो 96 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, C2 है, C2। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें द्वारा जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, सीपीटी फॉलो अप द टाइपिंग स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम, ये क्या रहने वाली है, पूरी प्रोसेस रहने वाली है। और ये आपके लेवल 2 की वैकेंसी और ये आपके लेवल 5 की वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें आपके ग्रेजुएशन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लेवल 2 जो आपके अकाउंट क्लर्क है कॉमर्शियल टाइपिस्ट है उसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और उसमें कम से कम 50% मार्क्स आने जरूरी है। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट आपके कॉमर्शियल टाइपिस्ट है उसके अंदर क्या आपके डिग्री फ्रॉम आपकी यूनिवर्सिटी इज द इक्विपमेंट टाइपिंग आपके प्रेफरेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी कंप्यूटर, आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की ये पोस्ट है उसमें आपको टाइपिंग आना जरूरी है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। और हम बात करते हैं कि इसमें जो नोट है वो भी कई नोट दिए गए और हम देखते हैं इसकी एज लिमिट क्या दी गई है, 18 से 42 ईयर्स अधिकतम है वो 42 ईयर्स है और ये जनरल के लिए और आपके ओबीसी के लिए 45 ईयर्स और आपके SC ST के लिए 47 ईयर्स। प्रूफ ऑफ एज है वो आपके 10th का जो सर्टिफिकेट है उससे एज लिमिट है वो आपके ज्ञात की जाएगी। नॉन एलिजिबल ये भी आपको दिया गया, नॉन एलिजिबिलिटी है एलिजिबिलिटी है वो आपके सामने दी गई है। तो साथियों, ये आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप दिया गया है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको नोटिफिकेशन है वो फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
ये देख सकते हो आप, जो आपको ग्रुप है जीटीसी का, उस ऑफिशियल जो ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप के अंदर ही आपको पूरा नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और हम देखते हैं इसकी प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या रहने वाला है। सर्वप्रथम क्या रहेगा, आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। सीबीटी एग्जाम में आपको यूआर के लिए 40%, ओबीसी और एससी के लिए 30% मिनिमम मार्क्स है, एसटी के लिए 25% लाने क्या है यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस देख ले आप। एग्जाम ड्यूरेशन टाइम रहेगा 90 मिनट का, क्वेश्चन रहेंगे 120, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी जितने भी कैंडिडेट है जीडीसी का एग्जाम देने वाले एनएफ जोन के, उन सभी कैंडिडेटों तक पहुंच सके और वो क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सके। आगे हम देखते द सिलेक्शन, आपके डायरेक्शन गिवन आपको दिया गया, सिलेबस आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स का दिया गया आपको, ये आपके सामने टॉपिक रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के रीजनिंग के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस इसके अंदर, आपके साइंस भी इसी में दी गई है, जनरल साइंस, और वो आपके किस लेवल की रहेगी, आपके 10th लेवल की साइंस यहाँ पे रहने वाली है। ये आपको यूआर ये दिया गया है, ये आपको पहले टाइपिंग टेस्ट में आपको बता दिया गया है। यहाँ पे इंग्लिश में है, वो आपको 30 वर्ड पर मिनट आने चाहिए, कितने वर्ड, 30 मिनट, टाइप 30 मिनट, जो 30 वर्ड है वो प्रति मिनट होने चाहिए, और इंग्लिश में आपके 25 वर्ड है वो प्रति मिनट आपको आने चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया गया, डॉक्यूमेंट अपलोड दिया गया, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे करना है, और यहाँ पे आपको दिया गया डॉक्यूमेंट भी किस किस प्रकार का प्रोसेस है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देख सकते हो, और किसी भी प्रकार की जानकारी अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वो आपको अलग वीडियो बना के आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो साथियों जितने भी आपके एनएफ रेलवे के कैंडिडेट है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं।